छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। इन 22 सालों की सबसे खास बात यह रही कि राज्य बनते समय जिन मामलों में कमजोर थे वही अब बड़ी ताकत बन चुकी है। नए राज्य निर्माण के बाद से ही छत्तीसगढ़ कृषि, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल क्षेत्रों में प्रगति की है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। इन 22 सालों की सबसे खास बात यह रही कि राज्य बनते समय जिन मामलों में कमजोर थे वही अब बड़ी ताकत बन चुकी है। नए राज्य निर्माण के बाद से ही छत्तीसगढ़ कृषि, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति की है। 1 नवंबर 2000 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इन 22 सालों में छत्तीसगढ़ ने अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया। आज छत्तीसगढ़ कृषि से लेकर उत्पादन और ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन गया है। छत्तीसगढ़ की विकास गाथा पर एक नजर डालते हैं। साल 2000 में प्रदेश का सालाना बजट 5,700 करोड़ रुपए था। 2022 तक 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका। प्रदेश में जिलों की संख्या 16 से बढ़कर 33 हो गई। धान का उत्पादन 47 लाख मीट्रिक टन से 110 लाख मीट्रिक टन हुआ। पंजीकृत किसानों की संख्या 24,50,000 हुई। छोटे बड़े उद्योगों की संख्या 545 से बढ़कर 2,218 यूनिट तक पहुंची। जिला अस्पतालों की संख्या 16 से बढ़कर 28 हो गई। मेडिकल कॉलेज की संख्या 1 से बढ़कर 13 हुई। मेडिकल सीटों की संख्या भी 50 से बढ़कर 1570 हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों की संख्या में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई। विश्वविद्यालयों की संख्या 3 से बढ़कर 24 पहुंच गई। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, बिजली बिल हाफ योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राम वन गमन पर्यटन परिपथ। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य ने इन 22 सालों में हर क्षेत्र में तरक्की की है। कृषि और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर भी खूब बढ़ रहे हैं। 62 तरह के लघु वनोपजों की सरकारी खरीदी से आदिवासी क्षेत्रों में भी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, खेल के साथ ही बेहतर सड़कों के जाल बिछने से लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।